Good morning class. This is our new anaphysio class in which today we will start the remaining portion of respiratory system, that is physiology of respiration. देखिए, मैंने फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन आपको लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करवा दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको उसका इंट्रो दिया था और मैंने बताया था कि फिजियोलॉजी में हम पल्मोनरी वेंटिलेशन, गैस एक्सचेंज और गैस ट्रांसपोर्टेशन, ये तीन टॉपिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि ये तीन फंक्शन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, कि पल्मोनरी वेंटिलेशन में बाहर से जो एयर है वो हम अंदर इनहेल करते हैं लंग्स तक, फिर गैस एक्सचेंज में वो लंग्स से, या आप कहिए लंग्स के एल्वियोलर रीजन से ब्लड तक जाती है, गैस एक्सचेंज होती है, और फिर गैस ट्रांसपोर्टेशन में वो ब्लड से जो है टिश्यूज़ तक एयर जो है वो जाती है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। फिर रेस्पिरेटरी रेट वगैरह के बारे में हमने एवरेज रेट भी पढ़ी थी। अब देखिए, हमने उसमें कहा था कि एयर फ्लो होता है, एयर फ्लो जो हो रहा है वो डिटरमाइन होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है और आपके अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका प्रेशर कितना है। इन दोनों के रिलेशनशिप के बेस पर ये डिसाइड होता है कि एयर फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा। फ्लो हमेशा ऑब्वियस है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होता है, कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है और आपकी बॉडी के अंदर CO2 का अमाउंट ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन को आप इनहेल करेंगे, CO2 को आप एक्सहेल करेंगे, ठीक है। अब क्वाइट वर्सेस फोर्स्ड ब्रीदिंग क्या है, अब क्वाइट ब्रीदिंग क्या होती है, फोर्स्ड ब्रीदिंग क्या होती है भाई। क्वाइट ब्रीदिंग में डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इन्वॉल्व रहती है। इसमें एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है, जो कि एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब है कि इसके लिए हमारे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये वाला पॉइंट मैंने आप लोगों को कार्डियोवैस्कुलर में भी पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो, कि क्वाइट ब्रीदिंग पैसिव है, मतलब इसमें किसी ATP की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, अपने आप होएगा ये। इसमें डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि फोर्स्ड ब्रीदिंग के अंदर एसेसरी मसल्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं और वो उस समय एक्टिव हो जाती हैं पूरी ब्रीदिंग साइकिल के दौरान। और इंस्पायरेशन इज एक्टिव, ये एक्सपायरेशन नहीं है बच्चों, वर्ड थोड़ा सा ठीक कर लेना, इंस्पायरेशन है जो कि एक्टिव प्रोसेस होता है, या आप कह दीजिए फोर्स्ड ब्रीदिंग ऑब्वियसली ये एक एक्टिव प्रोसेस है। अब ये प्रेशर और वॉल्यूम का जो है लंग्स में क्या रिलेशनशिप है वो दिखाया गया है भाई, देखिए वर्टिब्रल कॉलम के साथ में दिखाया गया है, ये कैसे रिब्स और स्टर्नम एलिवेट होती है और डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब रिब्स स्टर्नम एलिवेट होंगी तो उस समय डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। बाल्टी के साथ में दिखाया गया है कि कैसे ये चीज़ ऊपर उठ रही है, बाल्टी का ये जो हैंडल है, ये आपके सामने बकेट रखी पड़ी है, उसका हैंडल ऊपर और नीचे जिस तरह से हो रहा होता है वैसे एग्जैक्टली आपका स्टर्नम भी जो है वो एलिवेट और डिप्रेस होता है। अब ये देखिए, रेस्ट के समय रेस्पिरेशन कैसा है, इनहेलेशन के समय और एक्सहेलेशन के समय। तो रेस्ट के समय देखिए, शेप देखिए आप वर्टिब्रल कॉलम की, देखिए स्टर्नम की, देखिए आपके जो चेस्ट मसल्स हैं उसको देखिए, ये प्लूरल स्पेस बताया गया है, मीडिया स्टर्नम है बीच में और ये नीचे डायफ्राम। प्रेशर जो है बाहर और अंदर इस समय इक्वल है, तो किसी भी तरह का मूवमेंट जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, तो पी जो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर के एकदम इक्वल है, तो PA इज इक्वल्स टू PI। जब आप इनहेल करते हैं तो स्टर्नोक्लाइडो मैस्टॉइड, ये जो पार्ट है आपका बोन वाला पार्ट, स्क्लेना मसल्स है, पेक्टोरलिस माइनर, सिरेटस एंटीरियर, इन सब की शेप देखो, ये बाहर की तरफ जा रही है, छाती इस समय बाहर जा रही है, चेस्ट का आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है। सिरेटस एंटीरियर का पार्ट बताया गया, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स देखिए ऊपर की तरफ उठ गई है, वहाँ पर नहीं है, वहाँ डिप्रेस रही, यहाँ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ऊपर की तरफ उठ गई, और ये डायफ्राम देखो आप, डायफ्राम उठा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसमें वॉल्यूम क्या हो जाता है, इस दौरान इंक्रीज हो जाता है और अंदर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और एयर जो है अंदर की तरफ फ्लो होती है। इस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है इंटरनल प्रेशर के कंपैरिजन में, इसीलिए जो है हम सांस को अंदर खींच रहे हैं या एयर को हम अंदर ले रहे हैं। तो लंग्स का स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, डायफ्राम की शेप देखिए,
एट रेस्ट समय देखिए डोम शेप का डायग्राम आप डायफ्राम आपको दिखाई दे रहा है, जबकि इनहेलेशन में डायफ्राम जो एकदम फ्लैट हो चुका है। एक्सहेलेशन में इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, भाई देखिए डायफ्राम वापस से डोम शेप का बनता जा रहा है, वॉल्यूम जो है वो कम हो चुका है, प्रेशर अंदर की तरफ ज़्यादा हो गया है, इसलिए एयर बाहर फ्लो होगी, क्योंकि एयर हमेशा फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन मूव्स टू द लोअर कंसंट्रेशन। इस समय इंटरनल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया है, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है, तो ये वापस से ऊपर वाला डायग्राम में देख लीजिए, सब चीज़ें फ्लैट हो गई, जो पहले उठी थी चेस्ट बाहर की तरफ मूव की थी वापस अंदर की तरफ आ गई है। ट्रांसवर्सल थोरैसिक्स इंटरनल इंटरकोस्टल्स मसल्स आपको दिखाई दे रही हैं, रेक्टल एब्डोमिनिस, क्योंकि दूसरे एब्डोमिनल मसल तो इसके अंदर दिख नहीं रहे, रेक्टस एब्डोमिनिस दिखाई दे रहा है। तो ये रेस्ट के समय क्या हाल है आपके इंटरकोस्टल मसल डायफ्राम का बताया गया, इन्हेलेशन के समय क्या, एक्सहेलेशन के समय पर क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, इस डायग्राम को आप खुद से देखिएगा, पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये सारे एरो ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, वो सारे अच्छे से देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। फिर अब कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम देख लें अब अपन। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, ये सारे मिलकर के वाइटल कैपेसिटी बनाते हैं, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी वॉल्यूम मतलब जो आपने एयर अंदर ली है वो वॉल्यूम, और एक्सपायर करने के बाद जो एयर बाहर निकल गई उसके बावजूद जो थोड़ी बहुत बच गई है वो, और टाइडल वॉल्यूम मिलकर के क्या बनाता है, वाइटल कैपेसिटी। जबकि रेजिडल वॉल्यूम में एयर का वॉल्यूम जो लंग में रह जाता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में, उसको अपन रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। आप बहुत जोर लगा करके फोर्स के साथ आप अपनी सांस को पूरी तरह से बाहर निकाल दो, तब भी कभी ऐसा नहीं होता कि आपके लंग्स पूरी तरह से खाली हो जाएं, थोड़ा बहुत जो एयर है वो आपके लंग्स के अंदर बच ही जाती है, उसको ही आप रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ये हालांकि मैंने आपको ग्राफ जो है उसमें भी शायद जहाँ तक मुझे याद है मैंने पढ़ाया था कार्डियक के अंदर, है ना, तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई, रेजिडुअल वॉल्यूम मिनिमल वॉल्यूम कितना है 30 से 120 ml, ये चीज़ खुद से देख लीजिएगा, ये आपको ग्राफ जो है वो समझ में आ जाएगा। टाइडल वॉल्यूम देखिए 2200 से 2700 के बीच में बताया गया है, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml है, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम 3000 या 3300 ml आप कहिए। टोटल लंग की कैपेसिटी बताई गई है आपके, और वाइटल कैपेसिटी 4800 ml बताई गई है। यहाँ मेल और फीमेल्स, ये जो ऊपर छोटू सा चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ मेल और फीमेल्स के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी वगैरह सारी चीज़ें बताई गई, जिसको आप देख सकते हैं 6000 ml मेल्स में होता है, 4200 ml फीमेल्स के अंदर टोटल लंग का वॉल्यूम होता है। अब गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, जी सुन लीजिए, रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर गैसियस एक्सचेंज। फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकंड वन इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो लंग के एल्वियोलाई से ब्लड की कैपिलरी के बीच में जो होता है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, लंग से ब्लड या एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी। जबकि ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूड के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो इंटरनल रेस्पिरेशन। एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी तक गैसेस का एक्सचेंज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूड के बीच के अंदर या टिश्यू फ्लूड के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाती हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या है, गैस का डिफ्यूज़न हो रहा है किनके बीच में, एल्वियोलर एयर और पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड के बीच में रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस, क्योंकि इन दोनों के बीच में रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आ रही है, तो उस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस एल्वियोलर एयर पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड के साथ में डिफ्यूज हो रही है, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन में गैसेस डिफ्यूज हो रही है ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूड के बीच में कैपिलरी एंडोथेलियम के अक्रॉस, एक्सटर्नल में रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती है और इंटरनल रेस्पिरेशन में कैपिलरी एंडोथेलियम के अक्रॉस होती है गैसेस एक्सचेंज। अब ये रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी प्रोसेस का ओवरव्यू दिखाया हुआ है, देखिए भाई ये वाला डायग्राम याद आ रहा है आपको, अपन ने पढ़ा था इस मैन के अंदर जो दिखाया गया है हार्ट और
लंग के साथ में एक्सचेंज होता हुआ पल्मोनरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ में। तो ये पल्मोनरी सर्किट दिखाया गया है और सिस्टमिक सर्किट दिखाया गया है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बीच में हो रहा है और इंटरनल रेस्पिरेशन सिस्टमिक कैपिलरी के बीच में हो रहा है। इस चीज़ को अपन आगे भी और डिटेल में पढ़ेंगे। ये रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी देखिए भाई, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं अपन फिजियोलॉजी को। इनहेल्ड एयर जो होती है वो ड्राई होती है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर और CO2 ये सारी चीज़ें मौजूद होती है। और कितने कितने परसेंट में ये गैसेस का कंसंट्रेशन है वो बताया गया है, और पार्शियल प्रेशर जो है MMHG के अंदर बताया गया है। तो ये आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको, खुद से पढ़ लीजिएगा। अब गैस ट्रांसपोर्ट, आर्टेरियल ब्लड जो है वो पेरिफेरल कैपिलरीज के अंदर एंटर होती है और अपने ऑक्सीजन को डिलीवर करती है और CO2 को रिमूव कर देती है। आर्टरी का ब्लड जो है वो जो कैपिलरी पेरिफेरल कैपिलरीज में जाता है वहाँ पर वो O2 को दे देता है और CO2 को वापस ले लेता है। फिर गैस रिएक्शन जो है, गैस जो है वो ब्लड के साथ में रिएक्ट करती है, जो कि कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब जो रिएक्शन हुई खाली वो परमानेंट नहीं रहेगी। अभी हो सकता है O2 ने रिएक्शन किया, बाद में CO2 रिएक्शन कर देगी, यानी ये रिवर्सिबल है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा के पार्शल प्रेशर या पार्शल ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का जो प्रेशर है प्लाज्मा में, उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है, जिससे कि causes a large change in how much oxygen is bound to hemoglobin। थोड़े से change के बाद ही, जैसे oxygen का थोड़ा सा pressure change होएगा तो hemoglobin oxygen के साथ में कितना bound होगा उसमें ज़्यादा change आ जाता है। hemoglobin oxygen के साथ में कितना bound होगा, अब hemoglobin अधिकतर हीमोग्लोबिन जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर मौजूद है वो पूरे पूरे लगभग ऑक्सीजन के साथ में बाइंड हो जाता है। अगर प्लाज्मा ऑक्सीजन प्रेशर बढ़ जाता है तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ में बाउंड होगा, और अगर PO2 डिक्रीज हो जाता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा। जिस समय PO2 बढ़ता है उस समय तो हीमोग्लोबिन बाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ में, और जैसे PO2 डिक्रीज होता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा, टिश्यू सेल्स तक दे देगा। अब जो PO2 आपको दी हुई है हीमोग्लोबिन, उसमें एडिशनल ऑक्सीजन रिलीज करता है अगर pH कम हो जाएगी या टेम्परेचर राइज हो जाएगा। pH अगर कम हो जाए या टेम्परेचर अगर राइज हो जाए तो जितना PO2 होता है उससे ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो यहाँ नीचे बताया गया है कि रेस्पिरेशन है क्या, एक्चुअली यही तो प्रोसेस है कि CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, इसी को अपन रेस्पिरेशन कह रहे हैं। इसके अंदर जो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका रोल होता है। अगर PO2 बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा बाउंड होएगा, और जैसे PO2 डिक्रीज हो जाएगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। अगर उस दौरान ब्लड का pH कम हो जाए या टेम्परेचर राइज हो जाए तो हीमोग्लोबिन एडिशनल ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा होता है। जबकि CO2 का ट्रांसफ़र कैसे होता है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान CO2 जो है वो प्रोड्यूस होती है। जैसे कि किसमें प्रोड्यूस होती है, CO2 प्रोड्यूस होती है क्रैब साइकिल के अंदर, आपने पढ़ा है। तो CO2 प्रोड्यूस हो रही है, 7% तो वो ट्रैवल करती है और प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है, 7% जाकर के प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा, 23% जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाउंड हो जाएगी। एरोबिक मेटाबॉलिज्म के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि जितनी भी CO2 प्रोड्यूस होएगी उसका 7% तो प्लाज्मा में घुल जाएगा अमाउंट, और 23% अमाउंट जो है हीमोग्लोबिन से बाउंड हो जाएगा। तो उसको अपन कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन बाइंड होती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, और जो CO2 बाउंड होती है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहलाता है। अब रिमेनिंग कितनी बच गई है भाई, 30% तो हो गई, अब रिमेनिंग बच गई 70% जो कि H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगी RBC में जा करके। और कौन करता है ये कन्वर्जन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जिससे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस H2CO3 को H+ और HCO3 नेगेटिव आयन के अंदर तोड़ देगा। ये HCO3 नेगेटिव आयन RBC से प्लाज्मा में जाएगा, क्योंकि H2CO3 था RBC में, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने इस H2CO3 बाइकार्बोनेट को तोड़ा है, H+ अलग हो गया, HCO3 नेगेटिव अलग हो गया, ये HCO3 नेगेटिव जो है वो RBC से प्लाज्मा में पास होगा या एंटर होगा। तो इतना समझ में आया आपको,
आगे देखिए यही बात जो हम बता रहे हैं कि ब्लड में CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो देखो ब्लड डिफ्यूज CO2 डिफ्यूज हो रही है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, 7% तो प्लाज्मा में डिजॉल्व रहती है CO2 और 93% जो है वो RBC में चली जाएगी, उसमें से 23% तो हीमोग्लोबिन के साथ में बाउंड होकर कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन यानी HB प्लस CO2 बनाती है और रिमेनिंग 70% जो है वो H2CO3 में कन्वर्ट हो जाती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के द्वारा। ये H2CO3 टूटेगा H प्लस और HCO नेगेटिव में, H प्लस जो है वो तो रिमूव हो जाता है बफर के द्वारा, हीमोग्लोबिन स्पेशली इसमें रोल प्ले कर रहा होता है, और जो HCO3 होती है वो बाहर निकल जाएगी RBC से, क्लोराइड अंदर जाता हुआ बताया गया है, यानी क्लोराइड और इस कार्बोनिक एसिड का जो है वो ट्रांसफ़र यहाँ पर चल रहा है, इसी को अपन क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। Cl जो है Cl नेगेटिव आयन वो बाहर से कहाँ चला गया, ब्लड के अंदर चला गया, ये क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है भाई। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरली तो ब्लड स्ट्रीम में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ट्रैवल कर रही है जो कि डिसोसिएट होकर के कार्बोनिक एसिड बनाएगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के द्वारा जो RBC के अंदर चलेगा क्या बनेगी, कार्बोनिक एसिड बनेगी और थोड़ी बहुत CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाउंड हो जाएगी और प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी या फिर। तो यहाँ पर किसका रोल है, प्रेशर ग्रेडियंट का रोल होता है रेस्पिरेशन में, प्रेशर ग्रेडियंट रोल प्ले कर रहा है। अब जो हम पॉइंट कह रहे हैं वो यहाँ डायग्राम में देखिए, पहले वाले डायग्राम में ऑक्सीजन कैसे ली जाती है, दूसरे वाले में ऑक्सीजन कैसे दी जाती है। तो देखिए एल्वियोलर एयर स्पेस से ऑक्सीजन गई आपके प्लाज्मा से होती हुई RBC के अंदर, और ये चीज़ें कहाँ पे है, आपके पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो जब हो रहा है तो वहाँ पे प्लाज्मा मौजूद है और RBCs मौजूद है, या RBC जो है इस ऑक्सीजन का अपटेक कर लेती है। फिर जब ये सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर जाती है तो यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन के साथ में बाउंड हो रही है ऑक्सीजन, वहाँ भी हो रही थी हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हुई भी, वो तो बाउंड हो गई थी जो अपन ने ली है ऑक्सीजन, वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाउंड हो गई थी। अब ये हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हुई हुई ट्रैवल हो रही है जहाँ तक इसको जाना है उस जगह तक गई, जैसे वहाँ पहुँच जाएगी वहाँ ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा, खुद अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन कहाँ पर चली जाएगी, आपके पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर वो जो है डिलीवर हो जाएगी ऑक्सीजन। तो इस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारे अंदर चलता है। ये दिखा एल्वियोलर एयर स्पेस में ये O2 ऐसे ट्रैवल कर गई, रेड ब्लड सेल्स पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर बताया गया है, फिर पहले तो वो अंदर घुसी थी, अब ये हीमोग्लोबिन के साथ में बाउंड हो रही है, हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होने क्या कहला था, ऑक्सीजन का पिकअप। देखिए यहाँ जब अंदर घुसी उसको पिकअप नहीं कह रहे, जब हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को पकड़ रहा है तो उसको अपन O2 पिकअप कह रहे हैं, तो यहाँ O2 का पिकअप हो गया। अब ये O2 इस RBC साथ में ट्रैवल करती गई, कहाँ गई, जहाँ इसको डिलीवर होना है सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर चली गई है, पल्मोनरी कैपिलरी से आई थी सिस्टमिक कैपिलरी में चली गई है HbO2। अब सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को डिलीवर कर देगा पहले प्लाज्मा में और प्लाज्मा से पेरिफेरल टिश्यूज़ की सेल्स में, और HB जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन की डिलीवरी है, इस तरह से ये हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है या रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म है। आप विद डायग्राम अगर समझाते हो बहुत ही अच्छी बात है। अब जब O2 उसने पेरिफेरल टिश्यू को दे दी तो पेरिफेरल टिश्यू में CO2 बहुत ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन चला था जिसमें CO2 प्रोड्यूस होती है, ये CO2 अब उस पेरिफेरल टिश्यू से निकल करके प्लाज्मा में आई, प्लाज्मा से ये सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर चली जाएगी, इसको कहते हैं CO2 पिकअप। अभी तक अपन ने ऑक्सीजन का पिकअप और ऑक्सीजन की डिलीवरी पढ़ी थी, अब CO2 का पिकअप हम देख रहे हैं। अब वही वो जब CO2 का पिकअप हुआ कि जैसे ही RBC में घुसी CO2 वहाँ HB मौजूद है, वो HB इस CO2 को पकड़ लेगा, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन है ना, और वहाँ पर प्लस जो थोड़ा बहुत CO2 है उसके साथ वाटर बाउंड बन कर जाएगा और क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। कुछ CO2 HB के साथ में बाउंड हो गया और कुछ CO2 वाटर के साथ में बाउंड होकर के कार्बोनिक एसिड बना लेता है। ये देखिए कार्बोनिक एसिड बन गई, फिर वही रिएक्शन के कार्बोनिक एसिड टूटेगी
कार्बनिक एनहाइड्रेस के द्वारा H प्लस और SiO3 नेगेटिव अलग होंगे। H प्लस तो वही हीमोग्लोबिन के साथ में जा रहा है, SiO3 नेगेटिव जो है वो RBC से बाहर निकलेगा और बाहर जो क्लोराइड था वो अंदर आ जाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। तो क्लोराइड शिफ्ट हो गया। अब ये डायग्राम जिसमें क्लोराइड शिफ्ट वगैरह बताया गया है सिस्टमिक कैपिलरी में, अब सिस्टमिक कैपिलरी से पल्मोनरी कैपिलरी में CO2 जाएगा, ये HbCO2 उसको लेकर के जा रहा है और वहाँ पे इसको वापस रिलीज़ कर देगा। रिलीज़ करेगा तो क्लोराइड वापस बाहर निकल जाएगा और CO2 जो है वो डिलीवर हो जाएगा और फिर इसको हम बाहर एक्सहेल कर देंगे। ये CO2 की डिलीवरी, ये CO2 बाहर डिलीवर हो गया। अच्छे से देखिए डायग्राम को, एकदम क्लियर समझ में आएगा। बहुत बढ़िया से बताया गया है कि क्या क्या कैसे कैसे कहाँ कहाँ चेंजेस आ रहे हैं। क्लोराइड बाहर निकला तो HCO2 नेगेटिव अंदर आया, HCO2 नेगेटिव H प्लस से बाउंड हुआ जो हीमोग्लोबिन के पास में पड़ा था, जिससे कार्बनिक एसिड बन गई, कार्बनिक एसिड से वाटर निकल गया और जो बचा हुआ CO2 था वो प्लाज्मा में, प्लाज्मा से कहाँ जाएगा, CO2 बाहर चला जाएगा लंग्स वगैरह के अंदर। तो बस हमने ऑक्सीजन का पिकअप डिलीवरी पढ़ ली, CO2 की पिकअप डिलीवरी पढ़ ली, यही रेस्पायरेशन है और क्या है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं जनरल इंट्रोडक्टरी रेस्पायरेशन की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ाऊंगी दो क्लासेस में, वो दोनों क्लासेस मेरी पूरी हो गई हैं। तो हमने इंट्रोडक्टरी इन चीज़ों को पढ़ लिया और इंट्रोडक्टरी भी आपके लिए बहुत सफिशियंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको कहीं ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको भी ध्यान से पढ़ लेते हो तो एग्ज़ाम में आपके आप आंसर्स लिख सकते हो। बाकी जो डिटेल का और प्रोसेस है वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ाऊंगी। बाकी जो इसके अंदर डायग्राम्स आए थे वो बहुत अच्छे हैं, तो वो आपको बनाने हैं, चाहे वो एनाटॉमी वाले डायग्राम हो और चाहे वो ये फिजियोलॉजी वाले जो अभी अपन ये ब्लड कैपिलरी वगैरह पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा है, क्लोराइड शिफ्ट वगैरह बड़ा अच्छा समझाया हुआ है। तो आप भी एग्ज़ाम में कोशिश करिए इस तरह से डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करिए अपने आंसर को, तो ये काफ़ी स्कोरिंग आपके लिए बन जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों,